x plus 1 is equal to 3 power 1 minus x, तब x की कदर मालूम करो। बच्चों देखो एक्सप्रेशन क्या है, हमें 2 पावर x प्लस 1 मसावी है 3 पावर 1 माइनस x के। यहां पे देखिए जवाब हासिल करने के लिए हमें दोनों तरफ लॉग का इस्तेमाल करना चाहिए। लॉग इस्तेमाल कीजिए, दोनों जाने लॉग इस्तेमाल कीजिए। देखिए लॉग 2 पावर x प्लस 1, लॉग 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग 3 पावर 1 माइनस x। लॉग 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग 3 पावर 1 माइनस x। ओके फॉर्मूला देखिए, ये कौन से फॉर्मूले के मुताबिक है, लॉग m पावर n, लॉग m पावर n इज इक्वल टू n इनटू लॉग m। ओके अब देखिए n को हम लॉग से पहले लाना चाहिए। n क्या है पूरा एक्सप्रेशन, x प्लस 1, x प्लस 1 लॉग x प्लस 1 लॉग 2 इज इक्वल टू सेम 1 माइनस n, लॉग से पहले लाना चाहिए 1 माइनस x लॉग 3। ओके अब देखिए ये 1 x प्लस 1 और लॉग 2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए, x इंटू लॉग 2 x लॉग 2, x इंटू लॉग 2 x लॉग 2, 1 इंटू लॉग 2 प्लस लॉग 2 इज इक्वल टू 1 इंटू लॉग 3 लॉग 3 माइनस x इंटू लॉग 3 माइनस x लॉग 3। ओके अब देखिए लॉग 2 x लॉग 2 है माइनस x लॉग 3 है, ये जो क्या है दोनों लाइक टर्म्स है, x लॉग 3 को हम इधर लाएंगे और लॉग 2 को उधर भेजेंगे। ओके x लॉग 2 ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे, x लॉग 2, x लॉग 2 वो जो है माइनस x लॉग 3, इधर लाने पर प्लस x लॉग 3 हो जाएगा, प्लस x लॉग 3 इज इक्वल टू जो लॉग 3 सेम रहेगा, लॉग 3 जो यहाँ पे लॉग 2 है उधर जाने पर माइनस लॉग 2 होगा, माइनस लॉग 2 होगा। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे क्या है x कॉमन है, तो ये x लिख लेंगे, x इंटू लॉग 2 प्लस लॉग 3, x इंटू लॉग 2 प्लस लॉग 3 इज इक्वल टू लॉग 3 माइनस लॉग 2। ओके अब हम x की कदर मालूम करना चाहिए, क्या मालूम करना चाहिए x की कदर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमारे कन्वेनियंस के मुताबिक और एक स्टेप में यहाँ पे लिखूंगा, x इंटू लॉग 2 प्लस लॉग 3 इज इक्वल टू लॉग 3 माइनस लॉग 2। ओके x इज इक्वल टू x और यहां पे क्या है मल्टीप्लीकेशन सिंबल है, तो क्या है x इज इक्वल टू पहले ये लिख लीजिए लॉग 3 माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 2 जो क्या है ये जरब में है तो तकसीम में आ जाएगा बाय लॉग 2 प्लस लॉग 3। ओके यहां पे देखिए x इज इक्वल टू लॉग 3 माइनस लॉग n, ये कौन से फार्मूले के मुताबिक है, लॉग m माइनस n फार्मूले के मुताबिक है, लॉग m माइनस n क्या होगा लॉग m बाय n हो जाएगा, लॉग m के मानी 3 है बाय n के मानी 2 है, लॉग m बाय n बाय अब देखिए लॉग 2 प्लस लॉग 3 क्या होगा लॉग m इंटू n, लॉग m इंटू n 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो हमें जो मतलब का जवाब है x की कदर x इज इक्वल टू लॉग 3 बाय 2 बाय लॉग 6 हो जाएगा। ओके समझ में आया बच्चों,
है इंग्लिश सर।